लोकसभा प्राकलन समिति ने मंगलवार को अपने कानपुर भ्रमण के दूसरे दिन कई अहम विषयों पर चर्चा की और समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में सुबह करीब 11 बजे लैंडमार्क से निकली सदस्यों की टीम सबसे पहले फील्ड गन फैक्ट्री पहुंची, जहां बिजनेस प्रोडक्शन और डिफेंस प्रिपेयरनेस को लेकर चर्चा की गई। और इसके बाद दोपहर करीब 4 बजे समिति के सदस्य जाजमऊ स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा सफाई को लेकर किए जा रहे अभियान पर चर्चा की। कानपुर में गंगा को और अधिक शीघ्रता से स्वच्छ बनाया जाए और उसको आकर्षक बनाया जाए, इसके भी सुझाव हमें मिले हैं कि भविष्य में भी गंगा के जल में कानपुर से शून्य प्रदूषण वाला जल किस तरह भेजा जाए।